द्वंद्वयुक्त संसार में जब जीव आता है तो किस प्रकार स्वागत करता है ये संसार, यहां का जल, यहां की वायु, ये तो उस जीव का अंतर्मन जाने, जो अपने मन की बात अभिव्यक्त करने में भी उस समय संशय समर्थ नहीं होता और क्या करता है, संसार में आते ही रो देता है। सबसे पहली क्रिया जो संसार में आते ही किसी भी जीव के द्वारा संपादित होती है, जीव रोता है। यद्यपि एक जननी का गर्भ नरक जैसा है, वहां नारकीय यंत्रणा है, जठरग्नि का ताप, मलमूत्र की दुर्गंध, शारीरिक पीड़ा केवल यंत्रणा है, दारुण दुख है। उस दारुण दुख से मुक्ति पाने के बाद, उस दारुण दुख से त्राण पाने के बाद जीव संसार में आता है तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन रोता है। शायद रोना, शायद ये रुदन इसी बात की अभिव्यक्ति है कि यहां की जो आबो हवा है, यहां का जो द्वंद है, वो उस नारकीय यंत्रणा से भी कहीं अधिक पीड़ादायी है। वहां जीव को इतनी जागृति रहती है कि जीव सतत भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे यहां से मुक्ति दें, मैं जाकर आपका भजन करूंगा। यहां आते ही, जननी के गर्भ से मुक्ति पाते ही रोता भी है और भगवान को भूल भी जाता है, प्रभु विस्मृत भी हो जाते हैं। परंतु ऐसो को उदार जग माही, संतों ने, भक्तों ने, जिन्हें अपने हृदय के भावों से, अपने हृदय के प्रेम रस से जिन्हें सदा अभिषिक्त किया है, ये उन्हीं प्रभु की करुणा है, उन्हीं प्रभु की उदारता है कि इस द्वंद्वयुक्त संसार में जहां केवल ऊहापोह है, इसीलिए अनुभव करके संतों ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, संसार दुख आलयम, दुख का ही घर है। प्रभु कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं और संत विशुद्ध मिले ही परते ही राम कृपा कर चितवत जेहि। साधु संग मिल जाता है, कोई कोई भगवत कथा, भगवत वार्ता कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला मिल जाता है। कालाक्षेप का ये साधन सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोपरि भी है, सरस भी है, सहज भी है और सरल भी है। बीत काल सब जाइयो। विगत दो दिनों से श्री रघुनाथ जी और भक्तिमती श्री शबरी जी के परस्पर संवाद का आधार लेते हुए हम नवधा भक्ति के स्वरूप पर किंचित चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय सत्र यहाँ रखा गया और ऐसा त्रिभुवन गुरु का मत है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। और प्रेम 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 सब कोई कहे, फिर प्रेम ना चीन है कोई, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, सब उपलब्ध है यहां प्रगट जगत में, सब उपलब्ध है। अगर यहां पर कुछ छिपा है, यहां पर कुछ दुरा है, तो वो प्रेम है जो दिखाई नहीं पड़ता, केवल अनुभव किया जा सकता है।
देखा तो जाता है पर भीतर की आंख खुले तो देखा जाता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब तेथो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, विखन वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं, आंख तो है दृष्टि नहीं है, देखने का यंत्र तो है, ये तन भगवान ने दिया, ये देह भगवान ने दी, साधन ही तो दिया है, शरीर क्या है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज नॉट जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज क्रिएटिंग योर सेल्फ। आप एक रॉ मटेरियल के साथ आए हैं, आपको कुछ दिया गया है, कुछ पूर्व का संस्कार है, कुछ कर्म करने का अधिकार है, कुछ पूर्व का संस्कार आप ले आए हैं, कुछ अधिकार आपके पास है, और ये संस्कार और अधिकार ये दोनों यदि सही दिशा में हों, ये संस्कार और अधिकार इन दोनों की दशा और दिशा यदि उपयुक्त हो तो ही एक अध्यात्म परक जीवन का निर्माण हो सकता है। तो हम एक एक रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, कच्चा सामान है हमारे पास, उसी से जीवन निर्माण करना है। प्रकृति सहायता उपलब्ध कराती है आपको, पग पग पर उपलब्ध कराती है। पूर्व भी मैंने कहा कि यहां हर कदम पर आपको दो मार्ग जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक मार्ग पथरीला होगा, एक मार्ग सहज दिखाई पड़ेगा। बहुत कम साहसी लोग होते हैं जो उसी पथरीले मार्ग पर, उसी कंटका कीर्ण मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाते हैं। अधिकतम व्यक्ति वही होते हैं, अधिकांश लोग वही मिलेंगे जिनको सब कुछ जीवन में बड़ा सहज और बड़ा सरल चाहिए, लेकिन इस सहज और सरल की परिणति सत्य में नहीं होती। प्राय करके ये देखा जाता है, किसी से पूछकर, किसी का कुछ देखकर आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी सफलता का कभी भी आस्वादन नहीं कर पाएंगे। एकांत में आपने परिश्रम करके अगर कुछ अर्जित किया है, आपने आपने यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने में कुछ परिश्रम किया है, तो ही आप उसकी प्राप्ति का आनंद लेंगे। यदि आपने छल से, कपट से, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कुछ भी आपने अपनी अपनी बुद्धि से जो पाया है, वो पाकर भी, प्राप्त कर लेने के बाद भी, वो सब संपत्ति, वो सब सामान, वो सम्मान आपको वो सुख नहीं दे पाएगा जो सुख आपको सत्य देगा। सत्संग इसीलिए है, जैसा मैंने कहा ना, हम कुछ पूर्व का भी लेकर आए हैं, जिसे हम संचित कहते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, कुछ है हमारे पास जो अब अधिकार हमें मिला है। कर्मण्येवाधिकारस्तु, भगवान कहते हैं कि मैंने कर्म करने का अधिकार दिया है, और इसी को साधना जीवन है कि पूर्व का बिगड़ा सुधर जाए और अब जो मिला है उससे भविष्य संवर जाए। इसी के लिए जीवन है, इसी को जीवन निर्माण कहते हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा ये बात कि बहुत छोटे छोटे अवसरों से आपको जीवन बनाना पड़ेगा। भक्ति तो अंतिम कक्षा है। आज मैं जिस सूत्र पर चर्चा करूंगा, आप देखेंगे प्रभु नवम सूत्र क्या कहते हैं, जिसे हम सबसे सहज, सबसे साधारण बात समझते हैं, प्रभु ने उसे भक्ति की अंतिम कक्षा बताया है। ये सत्संग की ही तो महिमा है। भटकने का अवसर आपको यत्र तत्र कहीं भी मिलेगा, समरने का अवसर केवल सत्संग देगा, केवल साधु संग देगा, केवल महत जनों का संग देगा। ये सत्संग का ही तो अनुग्रह है। जब आज कोई बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी लोग का सुना व्यर्थ जाता है, जो भाव से श्रवण करता है उसे श्रीमद् भागवत फल भी प्रदान करती है, रस भी प्रदान करती है। आज जो इन इन सदग्रंथों का आधार लेकर, आज जो संतों की वाणियों का आधार लेकर अपना जीवन बना रहा है, तो इस सब के मूल में है क्या, सत्संग ही तो है। कभी कहीं किसी का किया हुआ सत्संग, कभी कहीं किसी की हुई चर्चा अनंत काल तक एक मार्ग बन जाती है,
चलने वाले का पथ प्रशस्त करती है, इस अंधेरे से मार्ग पर एक एक दीप बनकर आलोकित होती है, रास्ता दिखाती है। तो ये बड़ा अद्भुत संवाद, बड़ा मधुर, बड़ा सरल, सहज, पर अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और कल भी मैंने कहा यह संवाद श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि प्रभु स्वयं स्वयं तक आने का मार्ग बता रहे हैं। मेरे घर तक आने का मार्ग जितना उचित रीति से मैं बता सकता हूं कोई और नहीं बता पाएगा। मेरे घर पर आया अतिथि भी नहीं, मैं बता पाऊंगा। हो सकता है मेरे घर तक आने का कोई ऐसा मार्ग मैं जानता हूं कि कहीं और से पहुंचकर आपको पहुंचने में बहुत विलंब लगे और मेरे बताए मार्ग पर आप चले तो आप बड़े झट से पहुंच जाएं, आप बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाएं। ठीक ऐसे ही वेद भी बताता है मार्ग, शास्त्र भी बताता है, आपको यहां अनंत मत है, अनंत पथ है, लेकिन ये बात इसलिए विलक्षण है, ये बात इसलिए श्रेष्ठ कह रहा हूं मैं इसे, इस संवाद को मैं इसलिए श्रेष्ठ कह रहा हूं क्योंकि प्रभु ने स्वयं ये मार्ग बताया है। बड़ी शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है, क्यों? क्योंकि भटकाव नहीं है। प्रभु ने सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक स्तर का निर्माण करते हुए इस सुंदर मार्ग की रचना की है। परिणति कहां है? परिणति है भगवान के चरण कमल। आरंभ करते हैं भगवान, प्रथम भगति सब कहिए, संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, मम कथा प्रसंगा, मम कथा गुरु पद पंकज से, मम दृढ़ विश्वास पंच सुवेद प्रकाश। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान। गुरु चरणों का आश्रय और छल कपट रहित निष्कैतव भाव से भगवान के गुणों का गान। भगवान का गुण अर्थात जैसे रविदास कहते मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। केवल गीत ही गाना भगवान का गुण नहीं है, बड़ी अच्छी बात भगवान ने कही, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान। आपको जो मिला है, आपको जो मिला है प्रारब्ध से, जो मिला है आपको अपने संचित कर्म से, उसको सहर्ष स्वीकृति देकर यदि आप भगवान का धन्यवाद करते हैं, यदि आप प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो आपके द्वारा अभिव्यक्त की हुई कृतज्ञता भी भगवान के गुण का गान है। यदि आप संतुष्ट चित्त से, यदि आप प्रसन्न चित्त से, यदि आप सहर्ष मिले का धन्यवाद करते हैं,
तो वो आपकी कृतज्ञता, वो आपका धन्यवाद, ये भगवान के ही गुण का गान है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस प्रकार यदि मुझे लगता है प्रतिदिन आप कभी किसी समय बड़े हृदय से निर्मल भाव से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो ये भगवान का गुण गाना है। यद्यपि भगवत गुणानुवाद मैं हमेशा कहता हूं ये निस्साधन का साधन है, कुछ ना हो हारे को हरि ना, पर हम भगवान के गुण गान को केवल कथा या वार्ता तक सीमित नहीं रख सकते। जब कोई सुंदर सा फूल दिखता है, कोई मीठा सा फल आप आरोगते हैं, तो उस फल की मिठास, उस फूल की मधुरता, उस फूल की स्वास, वो जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। ये भी भगवान का गुणानुवाद है। एक कृतज्ञ हृदय, एक झुका हुआ हृदय ही एक सधा हुआ हृदय हो सकता है। झुका हुआ हृदय, कृतज्ञ, विनम्रता, दीनता, विनय, ये भगवान को बहुत आकर्षित करती है। ये भगवान को बड़ी शीघ्र आकर्षित कर लेती है। विनय, जब आप विनीत होकर, जब आप नत होकर, प्रणत होकर भगवान के सन्मुख जाते हैं, जब आप कृतज्ञ होकर जाते हैं, सारा जीवन भजन कर करके जिन्होंने अपने आप को साध लिया है, जिन्होंने तपाया है स्वयं को प्रेम की अग्नि में, जो कुंदन हो गए हैं, वो भी जब भगवान के सन्मुख जाते हैं तो कहते क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोर। तो ये प्रभु को बहुत प्रसन्न करती है, आकर्षित करती है। प्रभु की किसी वस्तु को अपना मानना, ये जो भगवान ने कपट शब्द का प्रयोग किया ना, इस कपट की व्याख्या बहुत विस्तृत है। भगवान की किसी भी वस्तु को अपना मानना, अपना जानना, ये कपट है। आपको प्रभु ने कोई सेवा का अवसर दिया, आप अपना मस्तक उठाकर उस अवसर का लाभ तो लेते नहीं अपितु उस अवसर का बखान करते हैं, ये भी कपट है। भगवान की किसी दूसरे की वस्तु की बात छोड़िए, बहुत लोग मैंने देखा वो कहेंगे अरे हम तो किसी की वस्तु की ओर दृष्टि भी नहीं डालते, हमें तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो अपना ही बहुत है, ये भी कपट है। आपके पास अपना बहुत नहीं है, हाँ आपके पास अपना अभिमान बहुत है, तभी आप ये बात बोलते हैं। हमारे घर महाराज बहुत बड़ा मंदिर है, ये कपट है, उससे किया हुआ कपट। घर में मंदिर नहीं साहब, इस बात को स्वीकार करिए कि आप प्रभु के मंदिर में अपना घर बनाएं। दृष्टि खुले, भीतर की आंख खुले, तो यह संसार भी प्रभु का मंदिर है, प्रभु ने आपको रहने के लिए ठौर दी है। नहीं तो कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भय वाको दीप धरे। सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ा, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ा। कोई छोटा सा सत्कर्म आप करते हैं, जाने कहां कहां संसार के किस गली चौराहे पर आप उसका बखान करते हैं। अब हम तो भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, मुझे तो प्रत्येक तरीके का आदमी मिलता है। बहुत लोग हमसे बहुत विनय करते हैं, बोले महाराज ये कथा ये सत्संग जो भी है कहीं पर भी आप हमारा नाम ना लें, आप व्यासपीठ से धन्यवाद भी ना करें हमारा, जिनको भीतर से इस बात का भरोसा है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने कथा कराई, बड़ा सहृदय व्यक्ति था, सरल चित्त था, बड़े भाव से उसने आयोजन कराया, कथा में भी बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ। दिनों के बाद वो व्यक्ति मेरे पास में आया कोई भेंट लेकर। उसको ये था कि महाराज
कथा के समय तो कुछ लेंगे नहीं, किसी और तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उसने कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास में कहीं भी अभिमान नहीं था, उसके प्रयास में कहीं भी शठता नहीं थी, उसके उसके प्रयास में कहीं भी कठोरता नहीं थी। इसलिए मैंने सीधे सीधे लौटाया नहीं, समझा कर देने का, वापस करने का प्रयास किया। मैंने कहा देखिए आप कहते हैं, अभी आपने कहा कि महाराज कथा हमने नहीं कराई, कथा तो ठाकुर जी ने कराई, उन्होंने ही साधन दिया, उन्होंने ही मन में संकल्प दिया, उन्होंने ही कराई। आप कह रहे हैं उन्होंने कराई, मैं कह रहा हूं उन्होंने की, फिर आप क्यों दें और मैं क्यों लूं? हम कहते हैं लेकिन हम अंतर मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि कपट है, ये भी कपट है। और मैं तो कहता हूं यदि मन न माने तो मत कहिए भगवान ने कराई, कहिए मैं नहीं कराई। आपको अरे आजकल तो हम अभी देखा, हमने वृंदावन में देखने को मिलता है कि कोई कथा व्यास का चित्र तो लगा ही रहता है प्राय करके। अभी आजकल तो क्या है कि यजमान यजमान का पूरा परिवार चित्र सहित विराजमान होते हैं वहां कथा के सूचना पट्ट पे, यजमान का भी फोटो लगा रहता है। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे जो लोग मंदिर में अपने नाम का पत्थर लगाते हैं ना, संत का कहा हुआ वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। कोई पोथी किताब ना कहती हो तो कोई बात नहीं, संत ने कहा है और संत वचन पलटे नहीं। बाबा कहते थे कि जो लोग पत्थर पर अपना नाम अंकित कराते हैं, बोले जब तक वो पत्थर रहता है और जब तक उस पत्थर पर वो उनके नाम की रेख अंकित रहती है तब तक उनको घूम घूम कर इसी संसार में आना पड़ता है। जब तक पत्थर पर नाम अंकित रहेगा, सेवा का प्रसाद उस जड़ पत्थर पे लिखा हुआ आपका नाम और उस जड़ पत्थर द्वारा दी गई आपके नाम को एक जड़ता, ये सेवा का प्रसाद नहीं है। मैं तो सदा कहता हूं सेवा यदि आपकी स्मृति में है तो माने आपकी सेवा स्वीकार ही नहीं की गई, तभी वो आपकी स्वीकृति में है। अगर प्रभु अंगीकार कर लेंगे आपकी सेवा तो सेवा की स्मृति नहीं रहेगी, आपको प्रभु की स्मृति रहेगी। सेवा का विस्मरण हो जाना यही सेवा की स्वीकृति का लक्षण है, ये भी कपट है। जब आप भगवान के दिए अवसर का लाभ स्वयं लेना चाहते हैं, जब आप भगवान के दिए साधन से सेवा संपन्न कराते हैं और उसका यश स्वयं लेना चाहते हैं, आपने अपने बहुत बड़े भवन में बनाया एक बहुत सुंदर सा मंदिर तो आपने एहसान कर दिया भगवान पे, कितना बड़ा कपट है ये आपके मन का। आपको नित्य प्रभु पूजा का अवसर देते हैं तो क्या आप प्रभु पर कोई एहसान करते हैं? ऐसा ऐसा मनचित्त तो रावण का था। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। कल भी मैं कह रहा था ना रावण को वेद पाठ प्रिय लगता था, बोले कौन करे, बोले ब्रह्मा जी करेंगे। तो ब्रह्मा जी से आग्रह नहीं करता, ब्रह्मा जी से अनुरोध नहीं करता रावण, ब्रह्मा जी को भयभीत करता है कि आपको मेरे यहां वेद पाठ करने आना पड़ेगा। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, बात तो बड़ी अटपटी है पर गोस्वामी जी लिखते हैं संशय नहीं कर सकते हम। बोले शंकर जी भयभीत होकर शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। एक ये भी पूजा है, एक तामसिक पूजा है। पूजा करके पूजा का संस्कार मन में पड़ना चाहिए, पूजा का विचार मन में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो भगवान ने कहा ना चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान, यदि मैं इसकी व्याख्या करने लगूं तो हमें हमारी प्रत्येक क्रिया में कपट दिखाई देगा। प्रत्येक क्रिया में भगवान के सामने जब कोई वस्तु लेकर जाओ तो बहुत बार भगवान से क्षमा याचना करके, बहुत बार ये कहकर कि प्रभु ये वस्तु किसी भी दृष्टि से आपके योग्य नहीं है। एक माता जी आती थी कलकत्ता से राधा वल्लभ जी के मंदिर में, तो एक बार एक माला लेकर आई, वो माला किसी भी दृष्टि से श्री जी तो क्या किसी सेवक के धारण करने योग्य भी नहीं थी। गोस्वामी जी को माला दे दी, बोली महाराज ये माला धारण करा देना। एक दो दिन तो गोसाई जी टाल मटोल करते रहे, तीसरे दिन तो झगड़ा हो गया, बोली महाराज आप तो सेवा की वस्तु सेवा में लगाते ही नहीं, ये कपट है।
मैं आपकी कोई दी हुई वस्तु कैसे स्वीकार करूं, क्यों स्वीकार करूं? आपके मन में आदर आया मुझे सुनकर। आपके मन में जो आदर और सम्मान है वो किस लिए? क्योंकि क्योंकि आप मुझसे सदविचार ग्रहण करते हैं। और बिल्कुल ईमानदारी की बात है साहब, ये जो मैं आपको सुनाता हूं इसके लिए मैंने कोई प्रयास कोई परिश्रम कभी नहीं किया, तो उसका पारितोषिक लेने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं बनता। जिसका है उसी की कृपा का आधार लेकर मैं उसी के चरणों में समर्पित करता हूं, और केवल कहता नहीं, संतों की वाणी से मैंने थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है मो। और उसकी मौज की बात है, वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। मुझे तो प्रतिपल धन्यवाद देना है, मुझे तो प्रतिपल कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, ये कहकर कि प्रभु ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है, प्रभु ने ये अवसर मुझे प्रदान किया है। वो चाहे तो मुझ जैसे कितनों की रचना एक क्षणार्ध में करेगा। तुम जो चाहते हो तो मिट्टी को हीरे की कड़ी बना देते हो, और तुम जो चाहते हो तो हीरे को मिट्टी में मिला देते हो। उसकी मौज की बात है, कुछ भी करे थोड़ा घना कपट छोड़कर करे, मुहे कपट छल छिद्र न भावा। ये बात प्रभु को प्रिय नहीं लगती। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, श्रीनाथ जी के सेवक, और जिन्होंने सेवा करके बड़ा अद्भुत अधिकार पाया श्रीनाथ जी पर, नाम हुआ कृष्णदास अधिकारी, नाम ही अधिकारी पड़ गया। गोसाई जी की कृपा से श्रीनाथ जी की सेवा का अधिकार मिल गया। एक बार आगरे के बाजार में डोल रहे थे, कहीं किसी कार्य से गए थे, देखा बड़ी सुंदर जलेबी बन रही है, बड़ी अच्छी सुवास आ रही थी। प्रथम भाव मन में आया कि अरे मैं इतनी दूर हूं, श्रीनाथ जी को इस जलेबी का भोग लगता तो लाल जी कितने प्रसन्न हो जाते। वहीं से मानसी में भोग निवेदन कर दिया श्री ठाकुर जी को। वहां गोसाई जी संध्या का भोग लगाए, और जब भोग उसारने लगे तो क्या देखते हैं कि थाल में बड़ी सुंदर जलेबी रखी है। अरे जलेबी तो मैंने पधराई नहीं थी, किसी भक्त ने प्रेम से भोग लगाया होगा। तो उसी आगरे के बाजार में डोल रहे थे, कृष्णदास जी के कान में बड़ा सुंदर संगीत का स्वर, बड़ी सुंदर स्वर लहरी कान में सुनाई दी। उस स्वर लहरी का अनुसरण करते करते जाकर देखा तो एक एक वेश्या के घर से वो ध्वनि आ रही थी। उस स्वर लहरी में डूबे या सेवा के भाव में, तो भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। उस स्वर लहरी का और उन घुंघरुओं की ध्वनि का अनुसरण करते करते कोठे पर जा पहुंचे। देखा विषय विलासी कुछ लोग बैठे थे, वेश्या अपना नृत्य गान प्रस्तुत करके अपनी क्रिया में लगी थी। एक टक उसको देखते रहे। उसका जब गान संपूर्ण हुआ तो कुछ मोहरों की थैली उसे देकर कहने लगे, रात्रि को मेरे आवास पर मुझसे मिलने आ जाना। जो संघ में सेवक लोग थे वो इस व्यवहार पर बड़े चकित हुए, बोले आपको ये व्यवहार शोभा देता है? आपको आपको ऐसी स्त्री के स्थान पर आना शोभा नहीं देता? आप आ भी गए भूल से तो आपको क्या उससे परस्पर वार्ता करना शोभा देता है? ये तो बिल्कुल आचारहीन किसी बात है, ये तो बिल्कुल आचरणहीन व्यक्ति का सा आचरण है। आप आचार्य हैं, आप श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, किसी की कुछ नहीं सुनी। रात्रि को बुलाया वेश्या को, वेश्या आ गई, बोले जो व्यक्ति केवल मुझसे बात करने के नाम पर इतना धन देकर चला गया, यदि उसे प्रसन्न कर दूं तो कितना धन पाऊंगी। वेश्या अपने लोभ में चली गई। पहुंची जब उनके स्थान पर तो कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाया, मैं तो अपने प्रभु का एक बड़ा अदना सा सेवक हूं, तुच्छ सा सेवक हूं। तुम्हें मुझे प्रसन्न नहीं करना, तुम्हें मेरे स्वामी को प्रसन्न करना है।
विश्वा ने मन में सोचा, जिसके सेवक का ऐसा वैभव है उसके स्वामी का कैसा वैभव होगा। इसीलिए भक्त आता है संसार में, इसीलिए संत आता है संसार में, प्रभु के वैभव को प्रकट करने के लिए भक्त आता है। भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य भक्त के माध्यम से ही प्रकट होता है संसार में। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, और तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुमने एक बार मेरे स्वामी को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हें फिर संसार में किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती, तृप्त हो जाओगे तुम, सब पालोगे। विश्वा तैयार हो गई, अपने रथ पर बैठाया, ले चले उसे। आप देखिए बिल्कुल न करने योग्य कार्य कृष्णदास जी करते हैं। विश्वा के यहां गए, उससे बात की, उसको संग लेकर चले हैं, नगर वधु के संग जा रहे हैं वारांगना। क्या वैष्णव को ऐसा संग शोभा देता है? लेकिन मन में भाव क्या है कि मुझे इसका गान, मुझे इसका नृत्य श्रीनाथ जी को दिखाकर प्रसन्न करना है। कपट रहित क्रिया, कपट रहित आचरण न करने योग्य हो तो भी प्रभु स्वीकार करते हैं, और अन्यथा कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंगछार को, कहा साधे पंचानल कहा सोए बीच जल, और कहा जीत लियो राज सिंधु आर। जप बार बार व्रत संयम हजार। रसखान कहते हैं वेद गाए 20 बार अरे बूझत लबार को। बोले इस बकबक को कौन सुनता है, प्रेम बिना सब फीक। ये तीन हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। तो आपकी क्रिया आपका कार्य भले छोटा हो कपट रहित हो, जो जो पाया है आप धन्यवाद करते जाइए, जो पाया है कृतज्ञ होकर सहर्ष स्वीकार करते चले जाइए, स्वीकृति देते चले जाइए। ये भगवान का गुण गाना है। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। दर दर तेरे तो मैं क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, तेरे दर तो मैं हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। अखा हस पैया रो दिया, रहम
तानु वेख सखा हस पैया रो दिया साडे कोलो दाता तेरिया सिफता नहीं हो दिया साडे कोलो दाता तेरिया सिफता नहीं हो दिया सकता है न पढ़ने को पहले पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस जीवन में प्राप्त की हुई वस्तु के लिए कृतज्ञता नहीं है, जिस जीवन में प्राप्त की हुई वस्तु के लिए कृतज्ञता नहीं है उस जीवन में भविष्य में कुछ प्राप्त करने की आशा भी नहीं होनी चाहिए। वहां फिर प्रभु से कुछ पाने की आशा भी ना हो और न मिलने की निराशा भी ना हो। जो शुक्र करे उसी को शिकवा करने का भी अधिकार है, वही शिकायत भी करे। गोपी को शिकायत करने का अधिकार है, वो शिकायत कर सकती है। सूर, तुलसी, रैदास ये शिकायत कर सकते हैं। तो अगले सूत्र पर मैं आऊं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास